नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। चोरों ने फिर बनाया मोबाइल दुकान को निशाना, लाखों रुपए के मोबाइल हुए पार। मुंगेली जिले के लोरमी में नहीं थम रही चोरी की वारदात। फिर कल रात को चोरों ने मोबाइल दुकान को बनाया निशाना। कुछ दिन पहले लोरमी के बोरतरा के मोबाइल दुकान में भी किए थे हाथ साफ। वहीं कल मुख्य लोरमी बिलासपुर मुख्य मार्ग पर स्थित उमेश मोबाइल शॉप पर भी चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला लोरमी के हृदय स्थल फबार चौक के पास की है, जहां उमेश मोबाइल की है, जहां लाखों की लागत के मोबाइल सहित रिपेयरिंग में आए ग्राहक के मोबाइल को भी ले उड़े चोर। वही दुकान मालिक उमा पाली का कहना है कि आज सुबह जब दुकान खोलने पहुंचे तो पाया कि दुकान का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरे हुए थे। मोबाइल सेट और पुराने मोबाइल फोन भी चोरी हुई है, जो रिपेयरिंग के लिए आए हुए थे। मोबाइल सहित सभी सामान चोरों द्वारा ले जाने की बात कही, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। क्या बता सकते हैं, हम लोग दोनों भाई बचते हैं दुकान में। मैं 7:30 चल दिया था सर, भाई का छोटा वाला। 8:30 दुकान बढ़ा घर गए थे। सुबह भाई दुकान खुलने आता है, उसको रास्ते में फोन किया है कि आपकी दुकान खुलेगा, क्योंकि दौड़ते आया है। आके देखे दुकान में, दुकान का जो निकाला टूटा हुआ है, कांच टूटा गया उसके बाद वगैरह से। और यहाँ अंदर में जो बड़ा बड़ा सेट है नाइट फोन रिपेयरिंग के लिए आया था, लगभग रिपेयरिंग के लिए है। और जो बड़ा बड़ा एंड्राइड फोन आया सब खुले गए हैं, वो छोटा छोटा सेट है उसको नहीं ले गया। गल्ला से लगभग वही 15 से 20 हज़ार का चिल्लर वो आया था। उसके बाद में 2 से 2:30 बजे तक आस पास हो गए शहर में। वहाँ 100-150 से ऊपर था जो मोबाइल सामान नहीं था, रिपेयरिंग के लिए जो बनवाने दिए थे वो सामान तो रिपेयरिंग पड़ा था। वो सेट के सेट उसको उठा ले गया, 100-150 से ऊपर था। आप लगभग 6 लाख से ऊपर का है सब। तो बिल है, बिल आने से पता चलिए तो चलेगा। फिलहाल लोरमी पुलिस के द्वारा लोकेशन के आधार पर पतासाजी की जा रही है, जहां आरोपियों को बहुत जल्द पकड़ने की बात कही है। आया है कोविड-19 महामारी के मद्देनजर हम लोग जो है लोगों में जागरूकता लाते हुए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए हुए हैं, और गणमान्य नागरिकों को लेकर हमने मीटिंग आयोजित किया था। इस पर सहयोग की बात हुई है। लोगों से अपील है कि होली कोविड-19 को देखते हुए अच्छे से मनाएं और अपने घर में रहें, और जो भी अवसर सुरक्षा नियम है उसका पालन करें। पुलिसिंग को लेकर किस तरह तैयारी रहेगी? चौक चौक रानी सुधा बदमाश है, वो कुंडा बदमाश है, इन पर निगाह रखी जा रही है और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है, और जो भी संदिग्ध व्यक्ति नजर आएंगे उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।